दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में टेलीकास्ट एलकिड सिरप के बारे में, लिक्विड के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम दी जाती है, इसकी डोज कितनी होती है, साइड इफेक्ट क्या करती है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए टेलीकास्ट एलकिड सिरप है, ठीक है, ये लुपिन कंपनी का आता है, लुपिन कंपनी बनाती है। अगर कोई बच्चा एक साल से लेके पाँच छः साल तक का है तो वो इसका यूज कर सकता है। दोस्तों कई बार इस नाम से नहीं मिलती है कुछ एरिया में, कुछ मेडिकल स्टोर पर, तो आपको अल्टरनेटिव ब्रांड भी पता होना चाहिए सेम सब्स्टिट्यूट में। जैसे कि मोंटेक आती है एलसी किड, ठीक है, ये सन फार्मा कंपनी आती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे, वो भी ले सकते हैं। मोंटेमेक एल किड सिरप आती है दोस्तों मैग्लोस कंपनी की, वो भी ले सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनी बनाती है। बात करें भाई कहाँ यूज़ की जाती है, तो देखिए ये कोल्ड और फ्लू की प्रॉब्लम में यूज़ की जाती है, खांसी की प्रॉब्लम में, कफ की प्रॉब्लम में यूज की जाती है। अगर बच्चे को नाक से पानी आ रहा है, बहुत अच्छी की आ रही है, जुकाम लग गया है, फ्लू हो गया है, तो वहाँ पर यूज कर सकता है बच्चा। खांसी बहुत ज़्यादा आती है, सूखी आती है, या कफ वाली आती है, कफ को कम करने के लिए, कफ को बाहर लाने के लिए भी यूज की जाती है। दोस्तों अगर अस्थमेटिक एलर्जी है, छाती के अंदर तैंते की आवाज़ आती है, सीटीज बजती है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है कफ के कारण, वहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में डॉक्टर एड करते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम भी डॉक्टर यूज करने के लिए देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर कोई चीज़ की एलर्जी है, जैसे कि नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, कान में कोई पानी आ रहा है, कान में फुंसी वगैरह हुई है, तो वहाँ पर भी एलर्जी कंडीशन में दे सकते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट इसको बच्चों के होने वाले स्किन इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं, खुजली को कम करता है, इन्फेक्शन को कम करती है। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो इसके अंदर आते हैं दो सोल्ट, पहला है लिवोसेट्रेजिन 2.5 मिलीग्राम, दूसरा है मोंटलुकास 4 मिलीग्राम। दोस्तों लियोसेट्रेजिन एंटी हिस्टामिन सोल्ट है, हिस्टामिन नाम के रसायन को बनने से रोकता है, जो कि कारण बनता है बहुत सारी एलर्जियों का। दूसरा दोस्तों मोंटलुकास ल्यूकोट्रिएनिस नाम के रसायन को बनने से रोकता है, जो कि कारण बनता है कफ का, अस्थमा का, सांस लेने की प्रॉब्लम, तो इस तरीके से मिलकर काम करते हैं। डोज की बात करें तो बच्चे का बॉडी वेट देख के, बच्चे की एज देख के डॉक्टर डोज प्रिस्क्राइब कर देते हैं, डॉक्टर के हिसाब से ही डोज लेनी चाहिए। वैसे इसकी नॉर्मल डोज भी होती है 5 ml, यानी 1 चम्मच रात को आधा घंटा पहले सोने से खाने के बाद रोज रात को दी जाती है 5 ml। साइड इफेक्ट अगर थोड़े जाने तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, जैसे कि नींद आने में दिक्कत होना, बच्चे को पेट में दर्द होना दिन के बाद, या दिन के बाद वॉमिट कर देना बच्चा, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इनके अलावा दोस्तों और भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होते हैं, घबराने की बात नहीं है। सावधान ये कहूँगा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट की देख रेख में बच्चे को देना है, सिर्फ यूज नहीं करना है। देने के बाद अगर बच्चे को ये सूट नहीं करती, किसी चीज़ का एलर्जी होती है, तो तुरंत इसका यूज़ करना बंद कर देना है, इनके बारे में डॉक्टर को जरूर बताना है। तो ये था संपूर्ण रिव्यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझ में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।